أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار قال تعالى واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين سوره بقره الله رب العزت ان ايات مي. अपने उन एहसाना का तस्करा फ़रमा रहे हैं जो अल्लाह रबुल्ज़त ने बनी इसराइल पे किए और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ये भी वादे कर रहे हैं कि बनु इसराइल का इन एहसाना की मुनासबत से रवैया कैसा था उन्होंने अल्लाह का शिक्र अदा करने की बजाय अल्लाह की नाफ़रमानी का रवैया अख्तियार किया और अल्लाह के नबी जनाब मूसा आसमाम से बुरा सलू करते रहे उनकी तोहन करते रहे और उनके सामने सरकशी का मुजाहरा करते रहे चुनाचे इस ऐतमी भी अल्लाह तै कह रहे हैं व इदाल मूसा अली कौमी और उस वक्त का तस्करा करो जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि बेशक अल्लाह ताली तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय को दिबा करो

इस ऐत की तफसीलात में दाखिल होने से पहले यहाँ पे इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि मूसा आलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को गाये ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया इस बारे में दो बड़े मौक़ हैं एक मौक़ ये है कि बनी इसराइल में से किसी ने उसे क़त्ल कर दिया जिसका वो वारस बनने वाला था भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया क़त्ल करने के बाद चचा की लाश दूसरे लोगों के घरों के सामने फेंक दी और कोशिश की कि ज़िम्मेदारी क़त्ल की उन पे आए उन्होंने क़त्ल से इनकार किया तो एक अजीबोगरीब वरीब सूरत हाल पैदा हो गई लड़ाई झगड़े का इम्कान पैदा हो गया तो मामला मूसा सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने हुक्म दिया कि अल्लाह कहता है कि इस मामले में तुम एक गायबा करो मकसद ये था कि गाय ज़िबा होगी और उस गाय के किसी एक हिस्से को लेकर मकतूल पे मारा जाएगा मकतूल पे जरब लगाई जाएगी और मकतूल जिंदा हो जाएगा और वो खुद बताएगा कि कतल कौन था ये हमें मालूम होता है उन रिवायात से जिन्हें इमाम तबरी इमाम इबन कसीर वग़ैरह बयान करते हैं बल्कि मशहूर वरूफ़ तबई अबीदा सलमानी उनकी तरफ़ से जो रवायत हम तक पहुंची है उससे भी यही कुछ मालूम होता है लेकिन कुछ मुफसरीन की राय ये है कि बनी इसराइल मिस्र में एक अरसे से रह रहे थे मिस्रियों के साथ रहते हुए इनके दिलों में गाय की तकदीस का अदा पैदा हो गया था और उसका एक मजहर बछड़े की पूजा करना भी था उससे भी पता चलता है कि ये लोग गाय के साथ बछड़े के साथ बैल के साथ अकीदत का और तकदीस का अदीदा रखा करते थे मूसा सलाम ने इस अक़ीदे को ख़त्म करना चाहा तो इन्हें हुक्म दिया कि एक गाय गायबा करो लेकिन वो गाय को ज़िबा नहीं करना चाहते थे क्योंकि गाय को मुक़दस मानते थे इसलिए उन्होंने तरह तरह के सवाल किए और अपने लिए मुश्किल पैदा कि बाद में उन्होंने गाय बा की और फिर एक आदमी का कत्ल हो गया उसके कातल के मामले में इख्तलाफ़ पैदा हो गया तो अल्लाह के हुक्म से इस गाय का एक हिस्सा उस मकतूल पर मारा गया और वो ज़िंदा हुआ और उसने बताया कि मेरा कात कौन है तो ये दो तरह के मौक़ हैं वो रवायात जो सही सन से साबित हैं अबीदा सलमानी से और दीगर पुराने बुज़ुर्गों से तबईयन से उनसे से यही लगता है कि कतल का वाक़ हुआ और कातल की तहदीद के लिए उन लोगों ने मूसा इस्लाम से रबता किया तब मूसा इस्लाम ने कहा कि अल्लाह हुक्म देता है कि तुम गाय को ज़िबा करो इमाम तबरी और इमाम बिन कसीर उन लोगों का रुझान इसी की जानब है अगरचे ये रवायात इसराइली रिवायात हैं लेकिन इन आयात पर गौर किया जाए तो लगता है कि शायद इस वाक़ की कोई ना कोई हकीकत है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय जिबा करो काला कहा फेल मारी है वाहिद के लिए किसने कहा मूसा ने अलैहिस्सलाम, किससे कहा लिखऊ मही अपनी कौम से क्या कहा कि इन अल्लाह युन तद बहु बकरा कि यक़ीनन अल्लाह तलाकुम तुम्हें हुक्म देता है युरु फेल मुज़ारे है कितने लोगों के लिए है वाहिद के लिए या मुरु वो हुक्म देता है यानी कि अल्लाह ताला कुम, तुम्हें अन तजबहु बकारा क्या हुक्म देता है कि तुम एक गाये जिबा करो तजबहू फेल मुज़ारे है जमा के लिए है कि तुमने जिबा करनी है और तजबहू के ऊपर चूंकि अन दाखिल हुआ है इसलिए तजबहू के आखिर में नून गिर गया है बकारा एक गाय कौन सी गाय कोई भी हो बकरा के ऊपर तनवीन है और ये लफ्ज किसी तहदीद के बगैर है कोई भी गाय हो वो तुमने ज़िबा करनी है तो बनी इसराइल को जो हुक्म दिया गया था अगर उस पर अमल करते तो वह हुक्म आसान था मुश्किल नहीं था लेकिन उन्होंने मुसलसल सवाल करके अपने आप को मुश्किल में डाला क्योंकि मूसा इस्लाम की बात पर अमल करने से गुरेज कर रहे थे उसके बाद लू कहने लगे क्या कहने लगे अत तखिद ना हजुआ तत्तखिदा से पहले जो हमजा है ये इस्तेफाम के लिए है सवाल के लिए है लेकिन यहाँ पर सवाल का मकसद मालूम लेना नहीं है बल्कि मूसा आल्लाम पर इनकार करना है और मूसा आल सलाम की वो मजम्मत करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से उन्हें डांट रहे हैं और इससे पता चलता है कि ये लोग कितने सरकश थे नबी मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि आप हमें गाय के जिबा करने का हुक्म देकर क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं आप हमें मजाक बना रहे हैं तु फिल मुदारे है वाहिद के लिए आप बनाते हैं तू बनाता है ना हमें हु मजाक मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है काला तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ने मुसार ने आऊद फिल मुदारे है वाहिद के लिए मैं पना में आता हूँ बिल्ला किसकी पनाह में अल्लाह अल्ला की, अल्ला की।, अल्ला की।, की पनाह में किस बात से अल्लाह की पनाह में आता हूँ किस चीज से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आता हूं आऊद बिल्लाकून जाहलीन मैं इस बात से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आता हूं कि मैं जहलों में से हो जाऊं जाहलीन किसकी जमा है जाहल की और मुराद यहाँ पे जाहिल से क्या है बेवकूफ़ यानी कि मजाक उड़ाना किसी का ये बेवकूफ़ों का काम है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊँ और बेवकूफ़ बनूँ और जाहिल बनूँ मैं ऐसा काम क्यों करूँगा यानी कि मैं तो अल्लाह का नबी हूँ मुझे तो अल्लाह ने नेलम दिया है मुझ मेरे लिए ये मुनासब नहीं है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊँ तुम्हें मजाक बनाऊँ और तुम्हारे साथ इसजा करूँ ये मुझे जेब नहीं देता तो इस ऐद के मसाइल और अहकाम पर अगर आप गौर करें तो सबसे पहले अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब मूसा ने अपनी कौम से कहा क्या कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के आडर क्या उन पर अमल करना वाजिब होता है लाजमी होता है या आपकी मर्दी है अमल कर लें और चाहें तो अमल ना करें ये है जबता ये है कायदा ये है कि अल्लाह का हर हुक्म नबी अलीलाम का हर हुक्म वजूब पर दलाल करता है उस पर अमल करना वाजब है लाजमी है जरूरी है जो हुक्म अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने दे दिया उसके बारे में अलग से सवाल नहीं होगा कि पता नहीं अब ये हुक्म जो है इस पर अमल करना जरूरी है कि जरूरी नहीं है जबता यह है कि हर हुक्म जो अल्लाह के रसूल की तरफ से आया उस पर अमल करना क्या है जरूरी है वाजब है जो ये दावा करे कि यहां पर जो आया है फलांहत में जो आया है फलाश में जो आया है वो वजूब के लिए नहीं है बल्कि इस सहबाब के लिए है ये बताने के लिए है कि यह काम कर लेंगे तो अफजल है नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं उसको दलील देना होगी जो ये दावा करेगा उसको दलील देना होगी वह करीना बताना होगा जिसकी वजह से वो दावा कर रहा है कि यहां पे हुक्म वजूब के लिए नहीं है वरना अल्लाह का हर हुक्म अल्लाह के रसूल का हर हुक्म किस काम के लिए है वजूब के लिए मिसाल के तौर पर नबी अली अलीलातम जब कहते हैं दाढ़ी बढ़ाओ दाढ़ी को लड़काओ तो अब आपका यह हुक्म इस सहबाब के लिए है या वजूब के लिए है वजूब के लिए है आपने हुक्म दे दिया और इस पर अमल करना वाजब है और इस ऐसे भी यही पता चल रहा है अगर हर आर्डर वजूब के लिए ना हो तो बनी इसराइल ये कह सकते हैं कि हमने समझा था कि आप हुक्म दे रहे हैं अल्लाह हुक्म दे रहे गाय जिबा करने का लेकिन यह हुक्म वजूब के लिए नहीं है वरना तो अल्लाह के हर आर्डर और नबी अली की हदीस में आए हुए हर आर्डर के बारे में कोई भी कह सकता है कि जी मैंने इसलिए अमल नहीं किया मैं समझ रहा था कि वजूब के लिए नहीं है या। तो इन अल्लाह अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है क्या हुक्म देता है कि तुम गाय जिबा करो कौन सी गाय कोई भी गाय कोई तहदीद नहीं थी जो हुक्म दिया गया था उस पर अमल करना आसान था लेकिन बनी इसराइल ने बार बार सवाल किए और अपने आप को मशक्कत में डाला अल्लाह तला तुम्हें हुक्म देता है इसे पता चलता है कि अल्लाह इज़्ज़त कलाम फरमाते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया कलाम करके दिया आलू वो कहने लगी अचा तखदुला क्या आप हमें मजाक बना रहे हैं क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं मजाक उड़ाना क्या शरीयत में किसी का मजाक उड़ाना जायज है बिल्कुल जायज नहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हजुरात में या अय्युहल लदीना आमनु ला يسखरु क़ौमुं मिन क़ौमिन असा एन यकूनू खैरा मिनहुम वला नसाउं मिन नसाइन असा एन यकून न खैरा मिनहुन के ऐ ईमान वालों कोई भी कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए मर्द मرد, मर्दों का मजाक ना उड़ाएं औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाएं जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसके पीछे क्या सोच है उसके पीछे सोच होती है कि आप उसको हकीर जान रहे होते हैं और आपने आप को उससे अफजल और बेहतर समझते हैं इसीलिए तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं तो इस्लाम में किसी का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं है अलबत् इस्लाम में मिजा की और खुश की इजाज़त है और हमारे नबी अलीलाम भी मिजा किया करते थे खुश फरमाया करते थे मिसाल के तौर पे एक बुढ़िया आपके पास आती है और इस ख्वाहिश का इजहार करती है को जन्नत में जाना चाहती है तो आपने फरमाया कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी वो बुढ़िया रोते हुए वापस जा रही है तो नबी अलीस्म साहब के नाम से कहते हैं कि इस बुढ़िया को बता दो कि जो भी औरत जन्नत में जाएगी वह बूढ़ी नहीं होगी जन्नत में दाखिल होते हुए जवान होगी तो ये आपने मजाक किया है इमाम तिर इस रवैत को अपनी शमाइल में लेकर आए हैं ऐसे ही अनसिम ने मालक फरमाते हैं कि नबी अली से कहा करते थे ओ दो कानों वाले अब हारे के दो कान होते हैं तो इसमें यह नहीं है कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं या आप मिजा कर रहे हैं और मिजा की अलामत और निशानी यह है कि जिससे आप मजाक करेंगे वो भी आपके मिजा पे खुशी महसूस करेगा वो भी लुत्फ महसूस करेगा जबकि मजाक उड़ाने में क्या है उसको आग लगेगी उसके दिल में आपके बारे में बुगस कीना और दावत पैदा होगी और इस्लाम चाहता है कि मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हो ना कि एक दूसरे से नफरत करने वाले हो तो मिजा खुशतबी बिल्कुल जायद है लेकिन कोई ऐसा मिजा ना हो जिस मिजा में दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो अल्लाह का मजाक उड़ाया जा रहा हो अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया तो जा रहा हो कुरान की किसी ऐत का और नस का मजाक उड़ाया जा रहा हो दाढ़ी का मजाक उड़ाया जा रहा हो पर्दे का मजाक उड़ाया जा रहा हो अगर ये काम किए जाएंगे तो मामला कुफर तक पहुंच सकता है तो मिजा की इजाजत है लेकिन मिजा इतना ज्यादा ना हो कि आप कब्र को भूल जाएं आखिरत को भूल जाएं मौत को भूल जाएं अल्लाह ताला फरमाते फलियद हकू कदीला वलयकू कसीरा लोग ज्यादा रोया करें और हंसने की इजाजत है लेकिन हंसने को मामूल न बनाएं। तो बहरहाल मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं है तो इसीलिए मूसा आलाम ने क्या الجاهلين कि मजाक उड़ाना जहलों का काम है बेवकूफ़ लोगों का काम है मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नबी हूँ अल्लाह ने मुझे अकलोश से नवादा है मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊँ मैं अपने आप को अल्लाह की पनाह में देता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बचा कर रखे कि मैं ये गलत काम करूँ क्या गलत काम कि किसी का मजाक उड़ाऊँ इन अलफा से एक तो ये पता चला कि गुनाहों से बचने के लिए शतान के वसवसों से बचने के लिए इंसान को चाहिए किससे पनाह मांगे अल्लाह से पना मांगे, अच्छा। मांगे। इसीलिए तलावत करने से पहले आऊद बिल्ला मिन शैक़ानरजीम पढ़ने का हुक्म दिया गया है फ़ैदा कलाअल कर्न फ़स्द बिल्लाजीम कि जब आप क़ुरान की तलावत करने लगें तो आप अल्लाह से पनाह मांग लिया करें किससे बचने के लिए शैतान मरदू से बचने के लिए क्योंकि जो ही आप तलावत का आगाज करेंगे शैतान आप पे हमले करेगा बस वसे डालेगा आपको याद करवाएगा कि अभी तो आपने फलां को फोन करना था अभी तो आपने बच्चों का ये काम करना है अभी तो आपके दोस्त का ये काम है उसकी कोशिश होगी कि आप तिलावत तर्क कर दें तो इसलिए हम हमें क्या कहा गया कि हम पहले क्या पढ़ लें औद बिल्लाम शीतानजीम तो अदबिल्ला बड़ी अहम चीज़ है लेकिन आपने देखा होगा आमतौर पर लोग अदिल्ला पढ़ते हैं बेदहानी से बेतवजही से और ऐसे पढ़ते हैं जैसे फजूल चीज़ हो असल चीज तो बाद में आ रही है हालांकि अऊद बिल्लाम शैतानीम नहत अहमियत रखती है इस लिहाज से कि आप जो अजीम काम करने जा रहे हैं शैतान ने उससे आपको रोकना है रुकावटें खड़ी करनी है और आपने शैतान से अपने आप को बचाने के लिए अपने आपको अल्लाह की पनाह में देना है तो आप दरख्वास के अंदाज़ में मिन्नत के अंदाज में दुआ के अंदाज में पढ़ें औऊद बिल्लामिनशैतानजीम आपके जेन में हो कि इस वक्त मैं अल्लाह से मुखातब हूँ तो बहरह इस ऐसे पता चला कि गुनाहों से बचने के लिए इंसान अपने आप को किसकी पनाह में दे अल्लाह की पनाह में और शैतान के शर से बचने के लिए हम अल्लाह ताला की मदद के मोहताज हैं तन्हा हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते और मूसा सलाम ने क्या कहा है मैं अपने आप को अल्लाह की पनाह में देता हूँ अल्लाह से इस्तेदा किया है अल्लाह से पनाह मांगी है तो अल्लाह से किसी भी शर से बचने के लिए पनाह मांगना ये अल्लाह की इबादत है क्योंकि पनाह मांगना दुआ है और दुआ क्या है इबादत है तो इस्तारा अल्लाह से पनाह मांगना ये इबादत है और इबादत में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना जायज नहीं है तो कब्र वालों से पनाह मांगना किसी शर से बचने के लिए फौशुदगान से पना मांगना किसी शर से बचने के लिए ये कबर वाले को फौज शुदा को अल्लाह की इबादत में अल्लाह का शरीक बनाना है और अल्लाह तला फरमाते हैं कि यह काम बुरे लोग किया करते थे जिनका गलत अकीदा हुआ करता था वह अन नान जालुम इनसी यादूल जाल जिन्नी फू हम रहा काई इंसान कई जिन्नों से पनाह मांगा करते थे और उस ऐद की तफसीर में आया है जिसकी अभी मैंने तिलावत की है कि जब इस्लाम नहीं आया था वो लोग सफर करते किसी जंगल से गुजरते तो ऊंची आवाज से कहते कि जो इस जंगल का सरबराह है यानी कि जिन्नों में से हम अपने आप को उसकी पनाह में देते हैं तो ये शिरकी अकीदा है ये गलत अकीदा है और वो लोग बात से बात निकलती है तो अकीदा वाजे कर दूं वो लोग जो जिन्हों को इस्तेमाल करते हैं उन्हें यह बात में रखनी चाहिए कि जिन आपके काम तब आते हैं जब आप उन जिन्नों को राधी करेंगे और वो कब राधी होंगे आपके ऊपर जब आपको शिरकिया काम करेंगे शिरक पे मबनी को काम करेंगे तब वो आपकी मदद के लिए तैयार होंगे तो इसलिए जिन्हों को इस्तेमाल में लाने के अमल से गुरेज करना चाहिए कोई कोई ऐसा होता है जिसके साथ तामन करने वाला ऐसा जिन होता है जो नेक हो वरना आम तौर पे जो जिन होते हैं वो शैतान होते हैं तो बहरहाल अल्लाह से पनाह मांगना अल्लाह की इबादत और कब्र वालों से फौज शुदगान से पनाह मांगना क्या हो जाएगा इबादत में शिरक अब सवाल पैदा होता है कि क्या मैं किसी जिंदा आदमी से पनाह मांग सकता हूं जी हां जिंदा आदमी उससे आप उस मामले में पनाह मांग सकते हैं जिस मामले में वो पनाह देने की सतात रखता है मेरे मोहल्ले का एक आदमी है वो बदमाश है उसके शर से बचने के लिए मैं पुलिस से मदद मांगता हूं मैं इंतजामिया से मदद मांगता हूं क्योंकि पुलिस इस मामले में मेरी मदद कर सकती है इंतजामिया मदद कर सकती है तो मेरा यह अमल बिल्कुल ठीक है लेकिन रोजे क़यामत अल्लाह के अजाब से बचने के लिए मैं अगर किसी जिंदा आदमी से पनाह मांगूँ किसी जिंदा पीर से पनाह मांगूँ तो क्या यह चीज उसके बस में है उसके बस में नहीं है तो ये आमल गलत हो जाएगा तो बहरहाल इन मामला में एहतियात करनी चाहिए यह पनाह मांगना ये मदद मांगना इन अमूर में बहुत से लोग अकीद तोहैद से निकल कर अकीदा शिरक में दाखिल हो जाते हैं उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर अड़सठ में قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون उन्होंने कहा आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए वादे करे माहिया ये क्या है इनकी ये गाय क्या है कैसी हो ये गाय काला उन्होंने कहा यानी कि मुसालाम ने इन नकूलू बेशक वो कहता है इनके अल्लाह ताला तला बकर फाल बिकर वो गाय ना बूढ़ी है और ना बछड़ी है अवान बई नजारिक मुतवस्त उम्र की है बे का इन दोनों के बीच में है फफ आलू मत तो तुम करो वो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कालू उन्होंने कहा किन्होंने कहा बनी, बनी इसराइल ने इनके जब मूसा इस्लाम ने उन्हें बताया कि अल्लाह गाय जिबा करने का हुक्म दे रहा है कालू तो उन्होंने आगे से कहा उद उ फेल अमर है और वाहद के लिए है मूसा को मुखातब करके कह रहे हैं उ आप दुआ करें लना हमारे लिए हमारी खातर किससे दुआ करें रब बा का अपने रब से आप उनका अंदाज देखिए ये नहीं कह रहे कि हमारे रब से कह रहे हैं आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें तो उनके ये अल्फाज इन में भी ऐसा लगता है कि जैसे वो मूसा सलाम से गलत अंदाज से मुखातब हों तो क्या कह रहे हैं आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें यूबैयन के वो वादे कर दे युब ये क्या फिल्म मुदारे है और वाहिद के लिए है इनके वो अल्लाह वादे कर दे लना हमारे लिए क्या वादे कर दे हमारे लिए माहिया कि इस गाय की उम्र क्या हो ये गाय कैसी हो यानी कि उम्र के लिहाज से गाय कैसी हो माँ क्या हिया ये ये क्या ये गाय या कि ज़मीर किधर जा रही है गाय की तरफ बकरा की तरफ काला उसने कहा किसने मुसा सलाम ने इन बेशक वो वो कौन अल्लाह यकूल कहता है अल्लाह ताला कहता है कभी अल्लाह ने कहा कभी अल्लाह ताला कहता है इन अल्फाज से क्या पता चलता है कि कलाम करना अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है और अल्लाह जब चाहता है तब कलाम करता है जिससे चाहता है कलाम करता है इ नकुल बेशक वो कहता है कि इन्ना बेशक ये ये गाय जो मैंने कहा है बाका ऐसी गाये है कि ला फारद ये बूढ़ी नहीं है फारद का मैंने क्या है बूढ़ी ला का मैंने क्या है नहीं तो ये बूढ़ी नहीं है वला बिक्र और ना ही ये क्या है बछड़ी है ये बछड़ी भी नहीं है बचिया भी नहीं है अवान फिर ये क्या है अवान उम्र की है दालिक इन दोनों के दरमियान में है बेई का मैंने क्या होता है दरमियान दालिका इन दोनों के अब मैं दालिका का तर्जमा क्या कर रहा हूं तफसीर क्या कह रहा हूं इन दोनों के जबकि दालिका जो इसमें इशारा है वो तो वाहिद के लिए है और मैं तफसीर कर रहा हूं कि इन दोनों के ऐसा क्यों क्योंकि जालीका का इशारा जो है वह फारद और बिकर की तरफ है यानि के अवान बेई निकल मजकूर ये गाय मुतवसत उम्र की है और जिन दो गायों का तस्करा हुआ है उनके दरमियान दरमियान की है उम्र के लिहाज से ना बहुत बूढ़ी और ना बिल्कुल बच्ची, बच्ची। फफ आलू पस तुम करो कौन कह रहे हैं मूसा आलाम और इफ आलू फेल अमर है जमा के लिए तुम करो माँ इस मौसूल है अल्दी के माने में तुम करो वो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है तो मरून फेल मुदारे हैं लेकिन मालूम के लिए नहीं मजबूर के लिए इनके वो काम करो जिसका तुम्हें आर्डर दिया जा रहा है जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है तो ये अल्फाज कह के मूसा आलम ने एक दफा फिर उनको बता दिया कि अल्लाह तुम्हें हुक्म दे चुका है और उस हुक्म की तजदीद की है यहां पर मूसा आलाम ने अब यह सवाल एक फालतू सवाल है फजूल सवाल है मूसा स्ल्लाम ने कहा था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि कोई भी गाय जीबा करो इनको चाहिए था कोई भी गाय पकड़ती है उसे ज़िबा कर डालते लेकिन पहले सवाल किया उम्र के बारे में और फिर सवाल करेंगे गाय के रंग के बारे में चुनौतियाल फरमाते हैं तसुर कहने लगे उ दुआ करें लना हमारे लिए रबा का अपने रब से यू बिन वो बयान करे वो वादे करे लना हमारे लिए माल उसका रंग क्या है कला तो उन्होंने कहा इनके मूसम ने कि इक़ूल हो बेशक अल्लाह तला कहता है कि इन् नहा बकरत सफरा बेशक ये गाय सफरा ज़र्द रंग की है सफरा ये सिफत होगी किसकी बकरा की ये गाय किस रंग की जर्द रंग की सफरा मोनस का लफज है इसका मुजक्र क्या होता है असफर तो सफरा मोनस इनके जर्द रंग वाली फाक उल्लुहा इसका रंग गहरा जर्द है फाक उनका लफज इस्तेमाल होता है जर्द रंग के बाद तो फाक उन गहरे जर्द रंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है फा गहरा जर्द रंग है लौनुहा इसका तो ये सफरा पहली सिफत थी और फाक ये दूसरी सिफत है उसके बाद क्या है तसुर नादरीन इस गाय की तीसरी सिफत यह है कि तसुरु वो खुश करती है वो अच्छी लगती है वो खुश करती है तसुरु फ़ेल मुदारे है वाहिद के लिए है लेकिन यहाँ पे मुजक्र के लिए नहीं बल्कि किसके लिए है मोहनस के लिए क्योंकि गाय क्या है मोहनस है तसुर्रू वो खुश करती है अनादरीन देखने वालों को अदरीन जमा है इसका वाहिद क्या है नादरन देखने वाला इसम फाइल तो नादरीन देखने वाले यानी कि उस गाय का रंग जर्द है गहरा जर्द है और ऐसा रंग है कि वो गाय जो उसे देखेगा उसे प्यारी लगेगी उसे बड़ी लगेगी उसे अच्छी लगेगी उसको देख कर उसकी तबीयत खुश हो जाएगी ये औसाफ और सिफात बताई जा रही हैं उस गाय की जिसको उन्होंने जिबा करना है उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं नंबर सत्तर में कालू का माही कहने लगे आप हमारे लिए दुआ करें किससे दुआ करें अपने रब, अपने रब से तो बनी इसराइल इन तमाम आयात में और इन तमाम सवालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ में वसीला किसको बना रहे हैं मूसा अली इस्लाम जो जिंदा थे मौजूद थे उनकी जात को नहीं बल्कि उनकी दुआ को वसीला बना रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें जैसे साहबा कलाम रिदवानजमाइन नबी अलीस्म के पास आया करते थे और आपसे दरख्वा किया करते थे कि आप हमारे लिए दुआ करें तो सहाबा के नाम भी आपकी दुआ को वसीला बनाते थे आपकी जात को नहीं आपकी जा को नहीं आपके मकाम को नहीं आपकी ज़ात को वसीला बनाना और दुआ में कहना कि अपने प्यारे नबी के तुफ़ैल, उनके सदके हमारी दुआ कबूल फरमा ये अल्फाज कुरान हदीस से सबत नहीं है तो युबैला वो हमारे लिए वादे करे माहिया कि ये गाय क्या है माँ क्या ही या ये क्या मतलब अब सवाल किस किस बारे में पहला सवाल था उनका उम्र के बारे में गाय की उम्र क्या है बूढ़ी है बच्ची है किस उम्र की है फिर उनका सवाल था गाय के रंग के बारे में अब तीसरा सवाल यह है कि गाय कैसी है क्या वो काम करने वाली है जमीन में हल चलाती है हलों के लिए इस्तेमाल होती है हल चलाने के लिए या कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होती है या उसे काम काज में नहीं लगाया गया कैसी वो गाय है इन अल बकरा बेशक गायें तशा बेशक जिनसे गाय इनके गाय की जो जिन्स है गाय जो है तशा बालीना हम पे मुशाबे हो गई है हमें पता नहीं चल रहा कि किस गाय को जिबा करना है व इन्ना और बेशक हम इन शाह अल्लाह अगर अल्ला ने चाह लम तदून हदायत पाने वाले हैं इन्ना में जो इन्ना है पहला शत के साथ वो बेशक के माने के लिए है तोकीद के लिए है तहकीक के माने के लिए है यकीन के माने के लिए है और लमो में जो लाम है लामह ये लाम भी ताक़द के लिए है तो ताक़द कितनी दफ़ा आ गई इस जुमले में दो बार इनके बेशक बेशक यकीनन, यकीनन हम हिदायत पाने वाले हैं लेकिन कब हदायत पाएंगे इन ने चाह अगर अल्लाह अल्ला। अल्ला। अल्ला की मशीयत तो हुई अगर अल्लाह का इरादा हुआ और इन शर्फ शर्त है अगर के माने में शाह अल्लाह अल्लाह ने चाह शाह फिल मादी है इरादा किया चाह ने तो इन शह यह जो जुमला है ये जुमला मो है जैसे हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया स बिन नियात अब नबी ने फरमाया इन बिन नियात ये असल बात हम कहना चाहते हैं दरमियान में हमने आपको दुआ दी है सल्लास और यह दुआया जो अल्फाज हैं यह जुमला मोतरजा है इनका उस गुफ्तगू से कोई तल्लक नहीं है जो हम करना चाह रहे हैं लेकिन चूंकि आपका नाम आया तो हमने आपको दुआ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही असल में वो यहां क्या कहना चाहते हैं कि वह इन हम हदायत पाने वाले हैं हम मतलूबा गाय तक पहुंचने वाले हैं जिस गाय को जिबा करने का हुक्म मिल रहा है उस तक हम पहुंचने वाले हैं उस तक, तक हदायत पाने वाले हैं इन शह अगर अल्लाह ने चाह तो इनशाला क्या है जुमला मोतारिजा और इमाम इक्रमा जो सहाबी हैं या ताबी हैं ताबी हैं बहुत बड़े ताबी हैं वो भी अब्दुल्लाबिन अब्बास रद्ला तला नुमा के शगिदों में से हैं और आप जानते हैं कि अब्दुल्ला अब्बास का तफसीर में एक बड़ा मकाम है एक बड़ी हसीियत है और उनके शगिर्दों का भी एक मकाम है तो ये इकरमा कहते हैं कि अगर वो इनशाला ना कहते तो अब भी उनको हिदायत नहीं मिलनी थी अब भी उनको रहनुमाई नहीं मिलनी थी लेकिन यहां पे उन्होंने इनशाला कहा तो ये लफ्ज़ उनके काम आ गया और यहां से पता चला कि जो काम हम मुस्तकबिल में करना चाहते हैं और उसका इजहार कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे वहां पर क्या कहना चाहिए इंशाला कहना चाहिए यानी कि ये, ये कहना चाहिए कि मैं तो पूरा जोर लगाऊंगा मेरा तो इरादा है मेरा तो आजम है लेकिन काम तब होगा जब आसमान वाला चाहेगा जब उसकी मशीयत होगी जब उसका इरादा हुआ वरना मैं जितनी भी कोशिश कर लूं उसका इरादा ना हुआ तो काम नहीं हो सकेगा तो वह ना इन शाह और हम अगर अल्लाह ने चाहा तो हदायत पाने वाले हैं यहां पे मैं इस अमर की वजाहत कर दूं कि पाको हिंद में बहुत से लोग गुफ्तु करते हुए कहते हैं कि वही होगा जो अल्लाह चाहेगा और अल्लाह के नबी चाहेंगे तो मशीयत में अल्लाह के साथ किसको शरीक कर देते हैं अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि नबीलाम तशरीफ फरमा थे और जो हदीस बयान करने लगा हूँ इसे इमाम नसाई ने भी रिवायत किया और इमाम अहमद ने भी तो एक आदमी ने किसी बात पर आपसे कहा कि वो होगा जो अल्लाह चाहेगा और जो आप चाहेंगे मुखातब कौन है अल्लाह के नबी सल वसलम तो नबीलाम ने उस मौका पर शादात फरमाया था जालतनी लाही निदा कुल माशा अल्लाहदा तूने मुझे मशीयत में अल्लाह का शरीक बना दिया है यानी कि जो अल्लाह चाहेगा और जो मैं चाहूंगा मेरी मशीत की मशीत को तू ने बराबर कर दिया है कुल माशा वहदा ये कहो कि वो होगा जो तनहा अल्लाह चाहेगा अलबत् वो लोग जो मौजूद हैं जिंदा हैं फौत नहीं हुए हम किसी मामले को उनकी मशीयत के साथ मुआलत कर सकते हैं लेकिन वहां पे भी उनकी मशीयत को अल्लाह की मशीयत के बराबर नहीं किया जाएगा मिसाल के तौर पे मैं यूं कहूंगा कि मैं ये काम करूंगा अगर अल्लाह ने चाहा और उसके बाद मेरे वाल साहब ने चाहा मैं ये काम करूंगा अगर अल्लाह ने चाहा और फिर मेरे उस्ताद ने चाह और के लफज में अरबी में वाओ और उर्दू में और इन दोनों में बराबरी पाई जाती है जबकि फिर और अरबी में सुमा उर्दू में फिर इनमें बराबरी नहीं पाई जाती इसमें यह है कि असल मशीयत अल्लाह की है अल्लाह की मशीयत के बाद मेरे वारद साहब की मशीयत हुई उनका इरादा हुआ तो मैं ये काम करूंगा और ये कुरान के उस उसद के मुताबिक है जो सराह तकवीर में आई है वाह ऊना अला शाह अल्लाह तुम्हारी मशीत तब चलती है जब पीछे अल्लाह की मशीयत हो तो असल क्या है अल्लाह की मशीयत अल्लाह की मशीत हो तो इंसान की मशीयत पूरी होती है और अगर अल्लाह की मशीत ना हो तो इंसान जो भी कर ले उसका काम नहीं होगा तो खुलासा एक क्या है कि अल्लाह ताला के साथ मसीहत में किसी को शरीक करने की इजाजत नहीं है अलबत् आप किसी से कह सकते हैं कि जैसे अल्लाह चाहेगा और उसके बाद जैसे आप कहेंगे वैसे मैं कर लूंगा लेकिन उसके बाद ये नहीं कि जैसे अल्लाह ने चाहा और जैसे आपने चाह अल्लाह के साथ मशीत में किसी और को शरीक नहीं करना अल्लाह इज़्ज़त ने इस आखिरी आयत में आयत नंबर सत्तर में जो आखिरी हमने पढ़ी है उसमें बनी इसराइल का तीसरा सवाल जिक्र किया है और वो सवाल किसके बारे में था वो गाय के काम के बारे में कि क्या वो काम करने वाली है हल जोतने वाली है वो पानी खींचने वाली है कुएं से कैसी है और कहने लगे कि इन नल बकर शाह बालीना गायें जो हैं वो हम पे मुशाबे हो गई हैं उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तला की तरफ से जवाब आया उनके इस सवाल का एट नंबर 71 में قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قال الان اجت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون उसने कहा किसने موسی علیہ السلام ने انه يقول बेशक वो कहता है कौन बार-बार हमें इन आयत से पता चल रहा है अल्लाह तला कलाम करते हैं और ये अल्लाह की सिफत कौन सी है फेली सिफत है सिफत फेली का मतलब यह कि जब अल्लाह तला चाहता है तब यह काम करता है पहले अल्लाह तला ने क्या कहा कि वो ऐसी गाय है जो बूढ़ी भी नहीं है और बछड़ी भी नहीं है फिर अल्लाह तला ने क्या कहा कि वह गाय जर्द रंग की है उसका रंग जो है गहरा जर्द है और जो देखेगा उसको देख के खुश होगा तो अल्लाह ने पहले वो कलाम किया फिर ये किया फिर ये किया इसका मतलब यह कि अल्लाह जब चाहता है जो चाहता है कलाम करता है अल्लाह तला की इन सिफात पर ईमान लाया जाए और इनकी तावील से गुरेज किया जाए तो अल्लाह तला कहता है इन नहा बकर बेशक ये गाय लाजल उन ला लाफिया ला नहीं के माने में लाजलूल ये गाय ऐसी नहीं है कि इसे काम में लाया गया हो जलूल उन जिसे काम में लाया गया हो जिससे काम लिया जा रहा हो जिससे मुशक्कत ली जा रही हो जिससे मेहनत ली जा रही हो तो जलूल यान, और यानी कि जिससे काम लिया जा रहा हो लेकिन यहां पे वो गाय कौन सी ला जलूल कि वो ऐसी गाय नहीं है जिससे काम लिया जा रहा हो कि तुशीर अर्दा के वो जमीन में हल चलाती हो तुसीरु फ़ेल मुदारे है मोनस के लिए है वाहिद मोनस के लिए तसर अर्दा वो ज़मीन में हल चलाती हो वला तस्किल तस्दिलहरसा और ना वो गाय ऐसी है कि वो खेती में पानी देती हो खेती को पानी पिलाती हो ऐसी भी नहीं है तस्की भी फ़ेल मुदारे है और ये भी वाहिद मोनस के लिए है और अलहर्स का माना वो ज़मीन जिसको जरात के लिए तैयार किया गया हो मुसलमतन वो गाय सही सालम होगी वो गाय कैसी होगी सही सालम, सही सालम है जिस गाय को जिबा करना है वो सही सालम है हर ऐप से पाक है लाशिया तफीहा उसमें कोई दाग नहीं है शिया दाग क्या मतलब यानी कि उसके असली रंग के अलावा उसमें कोई और रंग नहीं है यानी कि उसका असली रंग क्या है जर्द ये नहीं कि उसके साथ साथ कहीं पे सफेद या कहीं पे स्या नहीं या तफीहा उसमें कोई दाग नहीं है कोई और रंग नहीं है एक ही रंग है और वो जो बता दिया गया जर्द रंग काल आना जी इताबिल हक कहने लगे अल आना अब जी इताबिल हक की आप हक बात को लेकर आए हैं यहां से आप अंदाजा करें इन लोगों की सरकशी का और मूसा आल के सबर का मुसा इस्लाम नबी ने इन लोगों के सामने कितना सबर किया मुझे आपको क्या पैगाम मिला कि हम भी तबली करते हुए लोगों के साथ सब्र का मुजाह करें लोग तंग करते हैं कल नाम को लोग ताने देते हैं उलमाए कान को लोगएक नाम के जराय बयान करते हैं कुछ वो जो किसी एक आलम दीन से सरजद हुए होते हैं सब ने नहीं किए होते लेकिन वो सब कितना मनसूख करते हैं और कुछ वो जराय भी जिक्र करते हैं जो किसी ने भी नहीं किए होते उलमाए कलाम का मजाक उड़ाया जाता है दावत तबलीग में मुश्किल आती हैं तो मूसा आलाम अल्लाह के ये अजीम नबी हमारे लिए नमूना है कि कैसे सबर कर रहे हैं कैसे अखलाक का मुजहरा कर रहे हैं कैसे तहमल्ल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं और यहाँ से पता चलता है अल्लाह ताली के हिलम का अल्लाह तला की राहमत का अल्लाह तला कितनी उनको मोहलत दे रहे हैं वरना उनका एक एक जुमला ऐसा है कि उसके ऊपर उनको पकड़ लिया जाए और सजा दी जाए तो क्या कह रहे हैं अब आप हकबात लेकर आए हैं गोया के पहले जो मूसा इस्लाम बयान कर रहे थे वो बातल है और इस चीज की वजाहत उनके इन लफ्जों से भी हो रही है अत तखदू ना जब मूसा इस्लाम ने कहा था कि अल्लाह हुकुम जता एक गाय को जिबा करें तो क्या कहा था क्या आप हमें मजाक बना रहे इसका मतलब यह कि वह समझते थे कि मूसा इस्लाम जो कह रहे हैं वह बातल है वह गलत है वह लग्व है और अब इतने सवालत करने के बाद जब इतनी वजहतें मिल गई अब कह रहे हैं कि अब आप हक बात लेकर आए हैं यानी कि अब मामला वाजे होकर सामने आया है हालांकि मामला शुरू से वाजे था और आसान था कि कोई भी गाय पकड़ते किसी भी रंग की पकड़ते किसी भी उम्र की पकड़ते वो काम करने वाली होती या काम ना करने वाली होती उसको जिबा कर देते और अल्लाह के हुक्म पे अमल हो जाता तो सवालत उनके गलत थे और कह रहे हैं मूसा इस्लाम से कि अब आप हक बात लेकर आए हैं तो अल आन का माना क्या अब जीता फिल्मादी है और इनके वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए है कि आप लेकर आए हैं बिलहक की जीता तू आया आप आए लेकिन जब उसके बाद बा आ गई तो अब माना क्या हो गया आप लाए अब आप लाए हैं किसको अलहक की हक बात को फूह तो उन्होंने जिबा किया इसको किसको गाय को बाहू फिल्मादी या जमा के लिए उन्होंने िबा किया बनी इसराइल ने हा इस गाय को जमीर गाय की तरफ जा रही है बकरा की तरफ जा रही है उन्होंने उसको ज़िबा किया व मालून मा इस हाल में कि नहीं वो करीब थे कि वो ये काम करते इनकी उनकी हरकतें यह बता रही थी कि गायबा करने वाली वाले नहीं है लेकिन बिल आखिर उन्होंने ज़िबा कर दी फ़ाबाह हुआ उन्होंने उसको ज़िबा किया इस हाल में कि वो ज़िबा करने के करीब नहीं थे लग नहीं रहा था कि ज़िबा करेंगे किसको नहीं लग रहा था देखने वालों को मूसा सलाम को और दीगर जो लोग उस मौका पर मौजूद थे उन्हें उनकी हरकतों से सवालत से लग नहीं रहा था कि ये कभी ज़िबा करेंगे लेकिन बिल आखिर उनको ज़िबा करना पड़ा और उन्हें िबा कर दिया तो वाओ हालिया है माँ का मना है नहीं और कादू करीब या फालून के वो करते या फालून फिल्मारे है जमा के लिए है नहीं करीब थे कि वो वो काम करते जिसका उनको हुक्म दिया जा रहा था इन आयात से पता चला कि मूसा आलाम को बनी इसराइल ने जिन जिन चीज़ों के जरिए तंग किया उनमें से एक चीज क्या थी कसरत से सवाल करना इसलिए बेजा किस्म के सवालत से गुरेज करना चाहिए इमाम मुस्म रवायत करते हैं जनाब अबू हर रज्ल तु से कि नबीत उस ने लोगों को खुतबा देते हुए इशात फरमायायूस फरदल फ्जू अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज कर दिया है तुम क्या करो हज करो एक साहेब एक आदमी सवाल करने लगा क्या अल्लाह के रसूल क्या हज हम पे हर साल करना फर्ज है इनकी जिंदगी में एक दफ़ा काफी है यह हर साल हज करना पड़ेगा आप उस आदमी के जवाब में खामोश रहे कोई जवाब नहीं दिया उस आदमी ने फिर सवाल किया कि क्या हर साल हज करना होगा आप फिर खामोश रहे उसने फिर सवाल किया क्या हर साल हज करना होगा तो आपने शाद फरमाया कि एक बार हज कर लेना काफी है आपके सवाल का आपके जवाब का मफोम बता रहा हूं आपके जवाब का मफहम यह था कि एक दफा हज कर लेना काफी है एक दफा फर्ज है इनके बार बार फर्ज नहीं है और तुम्हारे ये सवाल करने की वजह से कि क्या हर साल फर्ज है अगर मैं कह देता कि हर साल फर्ज है तो तुम लोगों पे हर साल हज करना फर्ज हो जाता जब मैं किसी बात का हुक्म दूं तो अपनी ताकत के मुताबिक उस पे अमल किया करो और सवालत से गुरेज किया करो और जब मैं किसी चीज से रोकूं तो उससे मुकम्मल तौर पे दूर रहा करो जो मैं आर्डर दूं उस पर अपनी इस्ताद के मुताबिक अमल करो और जिससे मैं रोक दूं उससे मुकम्मल तौर पर दूर रहना है क्यों फर्क क्यों है क्योंकि जब आप आर्डर दें नमाज पढ़ने का तो नमाज पढ़ने के आर्डर पर अमल करना है ताकत के मुताबिक मस्जिद में जा सकते हैं तो मस्जिद में बीमार हैं तो घर में खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो ठीक है बीमार हैं तो बैठ कर अपनी ताकत के मुताबिक अमल करना है लेकिन जिन चीजों से शरीत ने रोक दिया उन उनके बारे में आपने नहीं कहा कि ताकत के मुताबिक क्योंकि शराब से दूर रहने के लिए ताकत के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है ताकत लगती है किसी आर्डर पर अमल करने करते हुए रोज़ा रखेंगे तो आपकी ताकत सर्फ होगी नमाज पढ़ेंगे ताकत सर्फ होगी लेकिन शराब से दूर रहने के लिए सूद से दूर रहने के लिए ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़ोर लगेगा शराब खरीदने पे शराब पीने पे शराब की बोतल खोलने पे जोर लगेगा सूद लेने पे बैंक जाएंगे अकाउंट सूदी खोलेंगे जबकि सूद से दूर रहने में कोई ज़ोर नहीं लगेगा तो इसलिए आप कह रहे हैं जब मैं किसी चीज़ का हुक्म दूं तो उस पे अमल करो अपनी इस्ताद के मुताबिक और जब मैं किसी चीज़ से रोक दूं तो उससे मुकम्मल तौर पे गुरेज किया करो दूर रहा करो और इस हदीस में आपने ये भी कहा कि तुमसे पहली कौमें इसलिए हलाक हो गई कि वह अपने नबियों से कसरत से सवाल किया करते थे और उनसे इख्तलाफ किया करते थे और उसकी ये मिसाल आपके सामने कि कैसे बार बार मूसा अली इस्लाम से सवाल किए गए फरमाते हैं ईमान वालों उन चीज़ों के बारे में सवाल ना करो जो अगर तुम्हारे लिए बयान कर दी गई वाज कर दी गई तो वो वजाहत तुम्हें बुरी लगेगी फजा बहु वालून अल्लाह तरमाते हैं बिल आखिर उन्होंने जिबा कर दिया उसके बाद तरमाते हैं बहत्तर में

कुन तुम तक तुम जिसको तुम छुपा रहे थे कतल तुम फिल मादी है जमा के लिए तुम ने कतल किया नफसन एक जान को एक इंसान को इसकी जमा क्या आती है नफूस अनफुस भी आती है फदा र तुम फा को अलग कर दें तो बाकी लफ्ज़ क्या रह जाएगा इदा रा तुम ये जमा के लिए है मुखातब के लिए है फिल्मी है तुमने इख्तलाफ किया तुमने झगड़ा किया ये बाब इफ्तियाल नहीं बल्कि बाब तफाउल है असल में ये ललफा तदारा तुम फिर ता को दाल से बदला गया दाल का दाल में इंजगाम किया गया फिर शुरू में हमजा ले आए जिसको अलफ भी कहते हैं तो क्या लफ्ज हो गया फिर इदारा तुम तो फ्दारा तुम तुम क्या किया इख्लाफ किया झगड़ा किया ये दरा आशें है एक दूसरे को धकेलना एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना मामला एक दूसरे के ऊपर डाल देना वो कह रहे थे तुम कातल हो वो कह रहे थे तुम कातल हो फद्दारा तुम फिया तुमने अख्तलाफ किया फिया इसके बारे में किसके बारे में इस इंसान के बारे में इस नफ्स के बारे में इस जान के बारे में अख्तलाफ किया कि इसका कातल कौन है वल्लाहु और अल्लाह तखरजुन निकालने वाला मुखरजुन इसम फाइल अखरजु से निकालने वाला जहर करने वाला था माँ उस चीज़ को माँ मसूल के माना में तुम तख्तमून जिसको तुम छुपा रहे थे कुल तुम तुम थे तख्तमून छुपाते तख्तमून फिल्म उदारे है जमा के लिए तुम छुपा रहे थे कातमयुमु से तो एक इंसान कत्ल हो गया बनी इसराइल में जैसा कि मैं दर्श के आगाज में बता चुका हूं कत्ल हो गया अब उसका कातल कौन है इस मामले में उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया तो उन्होंने फिर मूसा इस्लाम से रबता किया गाय जिबा करने का हुक्म दिया गया और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उस चीज़ को जहर करने वाला था जिसको तुम छुपा रहे थे वो कातल को छुपा रहे थे और अल्लाह ताला ने कातल को जहर करके रहना था और शायद इसीलिए वो गाय को ज़िबा से गुरेज कर रहे थे उसकी एक वजह यह भी हो सकती अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं ऐत नंबर तिहत्तर में फ़कुल्ला फुम फ़कुल्ला तो हमने कहा अल्लाह ताला ने कहा कब कहा अल्लाह ताला ने? जब कत्ल हुआ उनमें इख्तलाफ पैदा हुआ मामला मूसा आलाम तक पहुंचा, मूसा इस्लाम ने अल्लाह से दुआ की तो तब अल्लाह ताला कहते हैं हमने कहा इसका मतलब क्या है कि अल्लाह जब चाहता है कलाम करता है फ़ुल्ला तो हमने कहा इधरबू हो इस पे ज़रब लगाओ किस पे उस मखतूल पे फेल अमर है जमा करिए तुम मारो तुम जरब लगाओ हु इस पे पर गाय के बाद के साथ और आप नोट करेंगे कि तुम फी हा में जो जमीर थी किधर जा रही थी नफ्स की तरफ तो वहां पे एतवार किया गया नफ्स के मोहनस होने का क्योंकि नफ्स लफ जो है अरबी में बतौरे मोहनस इस्तेमाल होता है और फकुल नदरीबू हू यहाँ पे एतबार किया गया नफ्स के माना का वो नफ्स इंसान है इंसान मुजक्कर है तो हमने कहा इज्रिबूहू उस इंसान को उस मकतूल को जरब लगाओ उसे मारो बेबा इसके किसी हिस्से के साथ किसके किसी हिस्से के साथ गाय के बेबा दिया इसके किसी हिस्से के साथ कोई भी गाय का हिस्सा लेके इस पर जरब लगाओ अब यह कौन सा हिस्सा लिया गया कौन सा हिस्सा मुराद था कई मुफसरीन ने इस मसले पर बड़ी तफसील के साथ गुफ्तु की है कोई कहता है जी गाय की जुबान को मारा गया कोई कहता है गाय की धम को मारा गया कोई कहता है गाय के कान को मारा गया इसके अलावा भी कई अखबाल हैं लेकिन ये वो तफसीलत हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इमाम इबन कसीर रही ने यहाँ पर लिखा है जिन चीज़ों को अल्लाह ने मुबम रखा है जिन चीज़ों को अल्लाह ने वादे नहीं किया हमें क्या ज़रूरत है उन चीज़ों में पढ़ने की उन चीज़ों में वक्त ज़ाया करने की तो अल्लाह ताला ने जब यह बयान नहीं किया कि गाय का कौन सा हिस्सा था जो मारने का हुक्म मिला और जो मारा गया तो हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों में और इन तफसीला में दाखिल होने की और इसराइली रवायात अपनी किताबों में ज़िक्र करने की जिन लोगों ने तहदीद करने की कोशिश की है उन्होंने चीज़ें किन से ली हैं इसराइली रवायात यहूदियों और ईसाइयों की बातें उनकी वो किताबें जिनके बारे में अल्लाह ने वादे कर दिया कि तब्दील हो चुकी हैं उन पर अतमाद करते हैं तो हमें इन तफसीत में दाखिल होने की जरूरत नहीं अल्लाह ने हुक्म दिया गाय का कोई हिस्सा उस मकतूल पर मारा जाए और उन्होंने मारा हमारा इस पर ईमान है कौन सा हिस्सा था हमें पता नहीं है कदालिक्ला कदालिका इसी तरह अल्लाह तला जिंदा करता है किन को को. फेल मुदारे है वाहिद के लिए वो जिंदा करता है कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय का कोई हिस्सा मकतूल पर मारा जाए तो उन्होंने मारा और वह मकतूल जिंदा हुआ तो अब अल्लाह तहते हैं इसी तरह अल्लाह तला मुर्दों को जिंदा करते हैं ये सारी तफसलत अल्लाह ने जिक्र नहीं की क्योंकि पढ़ने वाले को खुद ही मालूम हो रही हैं इससे पता चला कि कुरान अल्लाह का कलाम है जिसमें कोई भी फजूल लफत नहीं है फजूल हरफ नहीं है फजूल जुमला नहीं है वही बातें आई हैं जो ज़रूरी हैं जिनका फ़ायदा है जिनमें जिन कोई न कोई हिकमत है तो इसी तरह अल्लाह ताली मुर्दों को जिंदा करता है ये अल्लाह तला किससे कह रहे हैं यह अल्लाह तला कह रहे हैं उन लोगों से जिन पर कलाम नाजल हुआ जिनपे कुरान नाजल हुआ और उनमें कौन थे मक्का के मुशरकिन थे वो लोग थे जो आखरत का इनकार करते थे जो कहते थे कि जब हम मुर्दा हो जाएंगे मट्टी हो जाएंगे गलियां हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो हमें कैसे उठाया जाएगा कैसे जिंदा किया जाएगा ये फजूल बातें हैं कोई हिसाब किताब नहीं होगा जिंदगी गुजार लो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और अगला जहान किसने देखा तो अल्लाह तौ कहते नहीं जैसे मैंने इस मुर्दे को जिंदा किया ऐसे ही अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा कब जब क्यामत आएगी तो सबको कब्रों से उठाया जाएगा सबको हिसाब किताब के लिए जिंदा किया जाएगा अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो आखिरत पे ईमान ले आओ और इस अकीदे पे ईमान ले आओ कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा कदालीमोता इसी तरह अल्लाह तला मुर्दों को जिंदा करता है और करेगा और मैंने पहले बताया था कि सिर्फ सुरह बकरा में पांच ऐसी मिसालें हैं पांच ऐसी नसूस हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने मुर्दों को दुनिया में जिंदा किया वो लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे और जो कहते थे हम अल्लाह को अपनी आंखों से देखेंगे फिर आपकी बात को यकीन करेंगे तो उनको बिजली की कड़क ने पकड़ लिया था मर गए सुम बातनाकुम इम्बादी मोहती को अल्लाह ताला कहते हैं फिर हमने उनको जिंदा किया मरने के बाद ऐसे ही दीगर मुकाम हैं जिनका पहले मैं तस्कर तफसील के साथ कर चुका हूं तो यहां पर अल्लाह तला कहते हैं इसी तरह अल्लाह तारा मुर्दों को जिंदा करता है या करेगा वह यूरी कुम और वो दिखाता है कुम तुमको आयात ही अपनी आते यूरी फेल मुदारे है वाहिद के लिए है वो दिखाता है कौन अल्लाह इसका फेल आरा वो तुम्हें दिखाता है आयात ही अपनी ऐतें आयात आयत उनकी जमा अपनी निशानियां अपनी कुदरत की निशानियां ये अल्लाह ने कुदरत की निशानी दिखाई ना कि मुर्दे को जिंदा किया लाल ताकिल्ला तुम्हें अपनी निशानियां क्यों दिखाता है लाल ताकि तुम ताकून अक्ल करो समझो किस चीज को समझो इस चीज को समझो कि जिस अल्लाह ने इस एक इंसान को मरने के बाद जिंदा किया वो तमाम इंसानों को जिंदा करने पर कदर है माखल कुमला बाम अल्लाह के नफ़सम वाहिदा सारी इंसानियत को पैदा करना और सारी इंसानियत को कब्रों से दोबारा उठाना एक इंसान को पैदा करने की तरह और उसको कब्रों से दोबारा उठाने की तरह है जो अल्लाह एक इंसान को जिंदा कर सकता है वो सबको भी जिंदा कर सकता है जो एक इंसान को पानी के नुतवे से पैदा कर सकता है वो सबको पैदा करता है और कर रहा है और कर सकता है तो वयूरी कुमायात ही अल्लाह तुम्हें दिखाता अपनी निशानियां ताकि तुम क्या करो अकल इख्तियार करो बात को समझो अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने उन बंदों में से बनाए जो अल्लाह के कलाम पे गौर करते हैं अल्लाह के कलाम को समते हैं और इससे अहकाम सीखते हैं मसाइल सीखते हैं अकीदा सीखते हैं अल्लाह इज़्ज़त पूरे कलाम की तफसीर करने की पूरे कलाम को समझने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे व आ खुद रब्बिल आलमीन